आगरा के बस हाईजैक मामले में क्राइम ब्रांच और पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चित्राहट थाना क्षेत्र से यतेंद्र, संजय और श्रवण नाम के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हाईजैक मामले में दोनों कारें भी बरामद की गई हैं। इस कांड में 12 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 8 लोग अभी भी फरार हैं। वारदात का मास्टरमाइंड प्रदीप गुप्ता फिलहाल पुलिस की हिरासत में है। वहीं इस पूरी वारदात का कारण संपत्ति विवाद का कारण बताया जा रहा है। थाना चित्राहट क्षेत्र में जब ये दोनों, ये यतेंद्र और उसके दो अन्य साथी श्रवण और संजय, गाड़ियों को ठिकाने लगाकर भागने के फिराक में थे और एक मोटरसाइकिल, चोरी की मोटरसाइकिल से भाग रहे थे, उसी समय इनके साथ थाना चित्राहट क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ हुई, जिसमें इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही साथ इनसे चोरी की मोटरसाइकिल, तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं। और उसके अलावा इनकी निशानदेही पे जो बस हाईजैकिंग की घटना में प्रयोग किया गया गाड़ी XUV 500 और सेंट्रो, ये गाड़ियां भी थाना चित्राहट क्षेत्र में जो इन लोगों ने छुपा कर रखी हुई थी वो बरामद की गई है और इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम विधिक